हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का बेसिक बेसिक्स में बोलूँगा, बेसिक टर्म्स हम बात करेंगे। उसमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स क्या रहते हैं और जो बाकी टर्मिनोलॉजी कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में यूज़ होती है, बेसिक टर्मिनोलॉजी, उस पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं बताऊँ आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या रहता है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, ठीक है, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स क्या रहते हैं। अब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हम किसको कहते हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड अगर मैं बात करूं, ये हम उन कंपाउंड्स को कहते हैं जो कंपाउंड्स में कोऑर्डिनेट बॉन्ड रहता है बिटवीन ए मेटल एंड लिगेंड। यानी दीज आर कंपाउंड्स, दीज आर दी और दी कंपाउंड्स कंपाउंड्स कंटेनिंग मेटल लिगेंड बॉन्ड, मेटल लिगेंड बॉन्ड्स, ठीक है। इसमें एक सेंट्रल मेटल रहता है सेंटर में और इसके गिर्द में ये लिगेंड्स कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं। जैसे मैं यहाँ पे बनाऊँगा, यहाँ पे ये सेंट्रल मेटल और लिगेंड के साथ में इसका कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, ठीक है। ये लिगेंड भी बताऊँगा मैं क्या होता है और सेंट्रल मेटल भी क्या रहता है ये भी बताऊँगा, ठीक है। इनको हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। अब देखो, इसमें जो ये मेटल है ये है एक्सेप्टर, ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर है, एक्सेप्टर, ठीक। और ये जो है ये डोनर है, क्या डोनर, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। तभी जाके यहाँ पे ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा या डेटू बॉन्ड बनेगा, क्लियर। तो मैं ऐसा इसको कह सकता हूँ कि सेंट्रल एटम जो रहता है यहाँ पे ये रहता है लेविस एसिड, जबकि ये लेविस बेस रहता है। या मैं इसको बोल सकता हूँ इट इज़ दिस वन इज डोनर जो रहता है, ये न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल। और जबकि ये वाला जो सेंट्रल एटम जो रहता है ये इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशी, ठीक है, या इलेक्ट्रॉन लवर, इलेक्ट्रोफाइल बोल सकता हूँ मैं इसको, ठीक है, न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल, इसको बोलते हैं हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, क्लियर। अब मैं आपको कुछ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की एग्जांपल्स देता हूँ। सपोज मेरे पास में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है ये CONH3O6Cl3, ये मैंने पहले भी कहा ये मेरा फेवरेट है, ठीक है। या फिर ऐसे ही K4FeCN6, ठीक, ये भी है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक। अब देखो, इन दोनों पे मैं आपको समझा दूंगा ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या रहता है और इसमें क्या क्या चीज़ें रहती है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आपको ये दिख रहा होगा ये स्क्वायर ब्रैकेट, ये जैसे यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट है, यहाँ पे बनाऊंगा मैं ये स्क्वायर ब्रैकेट है या यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट है, ठीक। तो इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो चीज़ रहती है इसको हम बोल सकते हैं कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स, क्या बोलूँगा मैं इसको, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स, ठीक, ये यहाँ से यहाँ तक, क्लियर, ये याद रखना। और इस कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में ये जो रहता है ये सेंटर में, ये जो CO लिखा मैंने कोबाल्ट, इसको मैं कहूँगा ये है सेंट्रल एटम या सेंट्रल मेटल आयन, सेंट्रल मेटल लिखूंगा मैं, सेंट्रल मेटल एटम या सेंट्रल मेटल आयन। वैसे यहाँ पे भी ये सेंट्रल मेटल एटम ओब्लिक आयन, राइट, समझ में आया। और इस कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में ये जो कॉम्प्लेक्स है इसमें जो ये रहते हैं ये जैसे ये 6 times NH3 है, CN6 times, इनको हम बोलते हैं लिगेंड्स, क्या कहते हैं, लिगेंड्स, लिगेंड्स। ये मैं समझा दूंगा लिगेंड्स क्या रहते हैं। और इस कॉम्प्लेक्स के बाहर जो रहता है इनको हम कहते हैं काउंटर आयन, क्या कहते हैं, काउंटर आयन्स। जैसे यहाँ पे ये है काउंटर आयन, काउंटर आयन्स, ठीक। अब मैं चलो और एक कॉम्प्लेक्स बनाता हूँ यहाँ पे, इसको आप इसमें आप पता लगा सकते हैं कि ये क्या है। सपोज़ मेरे पास में है मैं इसका कोबाल्ट का ही एक कॉम्प्लेक्स बनाता हूँ,
मैं लिखूंगा CO H2O, ये मैं रफली एक कम्प्लेक्स बनाता हूँ H2O 6 टाइम्स, ठीक है। और यहाँ पे है Br2, ये समझ लेना मैं क्या कहना चाहता हूँ। अब ये जो स्क्वायर ब्रैकेट्स में है, ये कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स, ठीक। अगर मैं आपसे पूछूं ये कोबाल्ट क्या है, तो आप क्या बोलेंगे, ये सेंट्रल मेटल एटम और आयन, ठीक। ये क्या है, ये है लिगेंड्स और दीज आर काउंटर आयन्स, ठीक है, समझ में आया। अब ये जो चीज़ है ना, ये हम विस्तार से मतलब एक एक करके पढ़ेंगे, ठीक है। चलो सबसे पहले लेता हूँ मैं ये कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स, पहले बात करी हम कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स की। अब कोऑर्डिनेशन जो कॉम्प्लेक्स है वो क्या रहता है, वो रहता है जो स्क्वायर ब्रैकेट्स में ये पूरा है यहाँ से यहाँ तक, ये है कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स को ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट्स में ये हम दिखाते हैं, ठीक है। कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स को हम स्क्वायर ब्रैकेट्स में ही दिखाते हैं। अब ये कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स ये पॉजिटिव रह सकता है यानी कैटायन रह सकता है, ये नेगेटिव रह सकता है यानी एनायन, या ये न्यूट्रल रह सकता है न्यूट्रल, ठीक है, समझ में आया ना, क्लियर। और स्क्वायर ब्रैकेट्स में जो भी रहता है, जैसे मैं बात करूंगा ऊपर वाले कॉम्प्लेक्स की, सपोज मेरे पास में ये है सेंट्रल मेटल एटम और इसके साथ में है लिगेंड्स, ये एन नंबर ऑफ लिगेंड्स, इसमें यही चीज़ें रहती है। एक तो रहता है इसमें कोई सेंट्रल एटम, ठीक है, जनरली रहता है ट्रांजिशन मेटल, जनरली बोल रहा हूँ मैं, तो और रहते हैं लिगेंड्स। ये लिगेंड्स समझा दूंगा मैं क्या रहता, ये डोनर एटम्स मतलब डोनर मॉलिक्यूल्स रहते हैं जो लोन पेयर डोनेट कर सकते हैं, उनको बोलते हैं लिगेंड्स। ये रहते हैं एन नंबर, मतलब इनका कुछ नंबर रहता है, ठीक। और ये जो पूरा ये कॉम्प्लेक्स जो है, इसको मैं कह सकता हूँ कि ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर, ठीक, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक जो पूरा है ना, ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर, ठीक। अब इसके बाहर कुछ सपोज जेड रहता है, कभी कभी रहता है कभी नहीं रहता, जेड, ये जेड या यहाँ से रह सकता है, ये जैसे ऊपर मैंने दिखाया ना आपको, यहाँ पे Cl नेगेटिव है ये राइट साइड में, लेकिन K4 पॉजिटिव लेफ्ट साइड में, ठीक है, K4 यानी 4 टाइम्स पोटेशियम। अब ये जो इस ब्रैकेट के बाहर रहेगा उसको हम कहते हैं आयोनिक स्फीयर, क्या कहते हैं, आयोनिक स्फीयर, और इसको कहते हैं हम काउंटर आयन, यहाँ पे लिख रहा हूँ सॉरी, ये आयोनिक स्फीयर है और काउंटर आयन, ठीक, समझ में आया। आपको मैं एक दिखाता हूँ एक कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। अब देखो यहाँ पे लिखता हूँ मैं एक एग्जांपल, जैसे CO NH3 6 टाइम्स है, तो ये है कोऑर्डिनेशन स्फीयर या मतलब कॉम्प्लेक्स बोलूँगा मैं, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। इसके बाहर मैंने लिखा था ऐसे Cl3, तो ये है ये जो ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये पूरा क्या है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। और इसको मैं बोलूँगा ये है आयोनिक स्फीयर, क्या है, ये आयोनिक स्फीयर या काउंटर आयन, क्लियर, इतना समझ में आया। अब ये जो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स जो रहता है, ये जो कॉम्प्लेक्स रहता है स्क्वायर ब्रैकेट्स में, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स, इट में भी जैसे मैंने अभी आपको दिखाया, इट में भी पॉजिटिव नेगेटिव और न्यूट्रल, यानी कैटायन एनायन या न्यूट्रल रह सकता, मैं आपको दिखा दूंगा कैसे। जैसे मैं अगर इसकी बात करूंगा CO NH3 whole 6, इसको अगर आप ब्रेक करोगे तो ये बनाएगा CO NH3 whole 6 3 पॉजिटिव प्लस बनाएगा Cl3 नेगेटिव, तो ये है पॉजिटिव। तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पे जो ये जो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है ये कैटायनिक है, यानी ये पॉजिटिव है, तो मैं इसको बोलूँगा ये कैटायनिक,
कैटायोनिक कॉम्प्लेक्स, जबकि इसका जो काउंटर आयन है यानी Cl नेगेटिव थ्राइस, ये एनायनिक है। यानी यहाँ पे काउंटर आयन एनायन है और कॉम्प्लेक्स जो है वो कैटायन है। क्लियर। अब अगर मैं इसकी बात करूँ, सपोज़ K4Fe, मैं पहले बनाऊँगा K4FeCN होल सिक्स, ये भी तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है ना, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, सॉरी, इसमें ये कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है और ये काउंटर आयन है। इसको अगर आप ब्रेक करेंगे, ये बनाएगा ऐसे 4 times K पॉजिटिव प्लस FeCN होल सिक्स, यहाँ पे 4 नेगेटिव आएगा, तो इसके ऊपर कॉम्प्लेक्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, सो इट इज़ एनायनिक कॉम्प्लेक्स, एनायनिक या नेगेटिव कॉम्प्लेक्स बोलूँगा मैं इसको, नेगेटिवली चार्ज्ड कॉम्प्लेक्स। और एक बता सकता हूँ मैं आपको, सपोज़ मैं लूँगा NiCO 4 times, अभी आप डरो मत इनसे, ये सब आपको याद हो जाएंगे, याद रह जाएंगे, मैं सिखा दूँगा इनको कैसे याद किया जाता है और कैसे बनाया जाता है। ये है टेट्रा कार्बोनिल निकल, इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड है, कितने 4, ये लीगेंड है और ये सेंट्रल मेटल आयन है। ठीक है, मैं आपको और भी एक चीज़ याद दिलाऊँगा यहाँ पर, पहले तो आप सुनो, ये जो कॉम्प्लेक्स है ना, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, मैं इसको बोल सकता हूँ कि ये न्यूट्रल है, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अब और एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, देखो यहाँ पे CO है, ये लीगेंड है क्योंकि ये कार्बन मोनोऑक्साइड है, यहाँ पे CO है, ये कोबाल्ट, ये मेटल है, ट्रांजिशन मेटल है। ठीक है, मेटल जो रहता है वो सेंट्रल मेटल रहता है, वो कभी लीगेंड नहीं बन सकता, लीगेंड जो है वो नॉन मेटलिक रहता है। ठीक है, क्लियर, इतना याद रखना। और दूसरी बात, अगर आपको पहचान में ना आए तो ब्रैकेट शुरू होते ही जो आपको स्पीशी दिख जाए तो समझ लेना कि वो मेटल है, यानी CO अगर दिख जाए तो वो मेटल है, लेकिन अगर आपको मेटल के बाद में CO दिख जाए, यानी इस ब्रैकेट के शुरू होने के बाद में जो मेटल आता है उसके बाद में CO दिख जाए तो समझ जाना कि वो कार्बन मोनोऑक्साइड है, क्योंकि कभी कभी प्रिंटिंग में मिस प्रिंट हो जाता है, ये जो O है वो छोटा या बड़ा लिखने में आता है, मतलब हो जाता है प्रिंट, तो उसकी तरफ ध्यान मत देना, आप सिर्फ इतना याद रखना, मैं आपकी सहूलत के लिए बोल रहा हूँ, उनके लिए बोल रहा हूँ जो अभी शुरू कर रहे हैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, कि ये जो साथ में रहता ना, मतलब इसको ब्रैकेट के साथ में, इसको बोलते हैं कोबाल्ट, ये हमेशा कोबाल्ट रहता है, और ब्रैकेट शुरू होने के बाद में मेटल के बाद में जो आएगा तो वो रहेगा कार्बन मोनोऑक्साइड। ये मैं बोल रहा हूँ कि जब मिस प्रिंट आप कहीं पर दिख जाएगा तो वहाँ पर कन्फ्यूज़ होने के बगैर आप डिसाइड कर सकते हैं, राइट। तो ये हो गया आपका कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। इस कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में हमारे पास में 2 types रहते हैं, 2 types, एक तो ये मैंने बोला आपको ऑन द बेस ऑफ चार्ज 3 types है, फर्दर इसमें 2 types है, फर्दर 2 types, वो है ऑन द बेसिस ऑफ लीगेंड, मैं बताऊंगा कैसे। सपोज एक कॉम्प्लेक्स है, उसमें कोबाल्ट कॉम्प्लेक्स लूँगा मैं, कोबाल्ट कॉम्प्लेक्स में NH3 है लीगेंड, है ना, कितने लीगेंड है, 6, और यहाँ पे Fe, ये मैं लिखूँगा 3+, FeCN इसमें साइनाइड लीगेंड है, ठीक है, कितने हैं, 6, ठीक, या इसमें टेट्रा कार्बोनिल 4 कार्बन मोनोऑक्साइड लीगेंड है, तो दीज लीगेंड्स आर ऑफ वन टाइप लीगेंड्स, है ना, इसमें एक ही टाइप के लीगेंड है, इसमें भी एक ही टाइप के लीगेंड है, तो जिस कॉम्प्लेक्स में एक ही टाइप के लीगेंड्स हों उनको बोलते हैं होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स, क्या बोलते हैं इनको, होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स, यानी जिनमें क्या हो, 1 type ऑफ लीगेंड्स ओनली, क्लियर। अब सपोज हमारे पास में कोबाल्ट का ही और एक कॉम्प्लेक्स बनाऊँगा मैं ये सिंपल सा रफ सा एग्जाम्पल लिखता हूँ, आप बाद में कॉम्प्लेक्स देख सकते हैं। सपोज इसमें लिखा मैंने NH3, ये लिखा मैंने 3 times, और इसमें दूसरा जो लीगेंड है वो है H2O, इसमें 6 ammonia थे लेकिन इसमें 3 ammonia और 3 ammonia के बदले में 3 water लिखे मैंने, तो ये बन गया कॉम्प्लेक्स। अब इसमें कितने टाइप के लीगेंड है, इसमें 2 type के लीगेंड है, इसमें अमोनिया के बदले में वाटर भी है, तो मैं इसको बोलूँगा कि ये हेटेरोलेप्टिक
कॉम्प्लेक्स है। ठीक, यहाँ तक तो समझ में आया, तो ये बहुत ईजी है। ठीक, अब हम देखते हैं ये जो हमने कॉम्प्लेक्सेस बनाए इनमें सेंट्रल एटम और लिगेंड्स के बारे में देखते हैं और बाकी टर्म्स भी पढ़ते हैं, लेकिन नेक्स्ट पेज में। अब कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स हमने पढ़ा, हम अब देखेंगे सेंट्रल एटम क्या रहता है। सेंट्रल एटम, या मैंने इसको लिखा आयन। ठीक है, क्लियर, ये सेंट्रल एटम है या आयन है। देखो सेंट्रल एटम कौन कौन रहता है और किस तरह रहता है। देखो एक तो ये स्मॉल होना चाहिए, स्मॉल इन साइज, स्मॉल इन साइज, क्लियर, ये हो गई एक बात। दूसरा, इसमें एम्प्टी ऑर्बिटल्स होने चाहिए, एम्प्टी ऑर्बिटल्स, यानी इसमें जगह होनी चाहिए, क्योंकि सेंट्रल एटम जो है ना ये एक्सेप्टर है, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर, ये पेयर एक्सेप्टर। ठीक, ये हमने अभी पढ़ा है ना, इज इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर, या मैं इसको बोल सकता हूँ ये लेविस एसिड है। ठीक है, क्लियर, लेविस एसिड है, या मैं इसको बोल सकता हूँ ये इलेक्ट्रोफाइल है, इट इज़ इलेक्ट्रोफाइल। और याद रखना इस सेंट्रल एटम को हम दूसरा नाम कहते हैं न्यूक्लियर एटम, न्यूक्लियर एटम। मैं दिखाऊंगा इसको सेंट्रल एटम क्यों कहते हैं। तो सबसे पहले मैंने बताया आपको कि इसमें स्मॉल साइज होना चाहिए, एम्प्टी ऑर्बिटल्स होना चाहिए, और जितना ज़्यादा चार्ज होगा, जितना इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, चार्ज ज़्यादा होगा उतना अच्छा है। पॉजिटिव चार्जेस, मैंने मोर पॉजिटिव चार्जेस बेटर, इज ऑलवेज बेटर। ठीक है, समझ में आया, तो ये याद रखना, मोर पॉजिटिव चार्जेस ऑलवेज बेटर, तो उससे ये अच्छी तरह से एज सेंट्रल एटम एक्ट करता है। देखो मैं कोबाल्ट का ही बताता हूँ, मैंने पहले ही कहा कोबाल्ट मेरा फेवरेट है, तो कोबाल्ट में समझाता, उसके ऊपर मैं समझा देता हूँ। देखो कोबाल्ट जब अमोनिया के साथ में कॉम्प्लेक्स बनाता है तो ये रहता है कोबाल्ट थ्री पॉजिटिव, राइट, जनरली ऐसा ही रहता है, और ये वाला जो ना थ्री पॉजिटिव, ये ज़्यादा अच्छा और स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाता है। इसके ऊपर अमोनिया जो है ना ये इसके साथ में ऐसे इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, ठीक, और ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, ठीक, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, ये ऐसे छः ही बनाए थे ना मैंने, तो यहाँ पे देखो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, इसके साथ में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं। अब ये सेंटर में और लिगेंड्स इसके चारों तरफ, ये पूरे का पूरा कोऑर्डिनेशन स्फीयर, और ये इसको मैं, ये जो है ये इसको मैं बोल सकता हूँ कोऑर्डिनेशन एंटिटी, राइट, कोऑर्डिनेशन एंटिटी। समझ में आया सेंट्रल एटम क्या होता है, शाबाश। अब ये हो गया, या इसको हम न्यूक्लियर एटम भी कहते हैं। अब इसके बाद में बारी आती है ये जो लिगेंड्स हैं, लिगेंड्स, इनकी बारी आती है। लिगेंड क्या होता है, ठीक है, लिगेंड या लाइगेंड भी बोलते हैं इसको, ठीक है। लाइगेंड क्या है, लाइगेंड है इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, राइट, ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर ही रहता है, इतना याद रख लेना कि इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर रहता है, तो इसका मतलब इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन पेयर होना चाहिए, चाहे वो लोन पेयर की सूरत में हो या नेगेटिव चार्ज की सूरत में। तो इसका मतलब लिगेंड के ऊपर इलेक्ट्रॉन पेयर होना चाहिए, यानी इसके ऊपर आइदर लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज, या अगर पाई बॉन्ड रहा वो भी काम कर सकता है, और पाई बॉन्ड से भी काम चल जाता है, लेकिन हम उतना डीप अभी नहीं जाएंगे, पहले हम समझेंगे ये होता क्या है। ठीक है, अब लिगेंड मैंने आपको बताया कि ये डोनेट करता है, जिस तरह ये सेंट्रल मेटल एटम है और इसको ये लिगेंड मान लीजिए, ये इसको इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा और इनके बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा, जिस तरह यहाँ पे मैंने ये एरोज़ बताए, एरोज़ जहाँ से निकलते हैं वहाँ पे लोन पेयर है, यहाँ पे लोन पेयर, क्लियर। तो इसका मतलब लिगेंड के ऊपर लोन पेयर होना चाहिए या इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होना चाहिए,
इलेक्ट्रॉन देने के लिए या पाई बॉन्ड होना चाहिए। लेकिन लीगेंड जो है, लीगेंड बट लीगेंड याद रखना, बट लीगेंड कैन बी न्यूट्रल, न्यूट्रल भी हो सकता है जैसे अमोनिया है, नेगेटिव, नेगेटिव जैसे सी एन नेगेटिव है, और पॉजिटिव, और पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव भी हो सकता है लिगेंड, पॉजिटिव नेगेटिव न्यूट्रल भी हो सकता है। पॉजिटिव का मतलब क्या है, पॉजिटिव का मतलब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, लेकिन पॉजिटिव चार्ज का मतलब ये नहीं कि उसके ऊपर लोन पेयर नहीं है। जैसे NO है, NO, NO इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, NO पॉजिटिव, लेकिन लोन पेयर भी है, राइट। तो इसको मैं बोल सकता हूँ ये लिगेंड है। और लिगेंड जो है ना, लिगेंड ये रहता है नॉन मेटल, लिगेंड्स आर नॉन मेटल्स, नॉन मेटलिक इन नेचर, मेटलिक इन नेचर, समझ में आया, शाबाश, इतना तो क्लियर है। लिगेंड में और एक चीज रहती है, उसको हम बोलते हैं डोनर एटम। क्या बोलते हैं इसको, डोनर एटम, ये बात समझ लेना, डोनर एटम यहाँ पे लिखूंगा मैं। जैसे मैं अलग कलर से बनाता हूँ, जैसे मेरे पास में NH3 है, लेकिन लोन पेयर नाइट्रोजन के पास में, तो जब डोनेट करेगा, ये NH3 लिगेंड है ना, डोनेट जब करेगा तो नाइट्रोजन करेगा, लोन पेयर डोनेट नाइट्रोजन कर सकता है, हाइड्रोजन वगैरह नहीं कर सकता, क्लियर। तो जो बॉन्ड बनेगा मेटल का, वो बनेगा नाइट्रोजन के साथ में, तो फिर मैं इस नाइट्रोजन को मैं बोलूँगा ये डोनर एटम है। क्या ये डोनर एटम, समझ में आया। और एक लिगेंड के पास में कितने डोनर एटम्स हैं, उसको बोलते हैं डेंटिसिटी। क्या बोलते हैं इसको, डेंटिसिटी। डेंटिसिटी का मतलब क्या है, नंबर ऑफ डोनर एटम्स या डोनेटिंग एटम्स बोलूँगा मैं इन ए लिगेंड, ठीक, समझ में आया। जैसे अगर मैं अमोनिया की बात करूं, NH3 की, इसके पास एक डोनर एटम है। अगर मैं वाटर की बात करूं, सपोज H2O लिखता हूं मैं, H2O, इसके पास एक डोनर ऑक्सीजन एटम है। अगर मैं इसकी बात करूं, गौर से सुन देखना, सपोज मेरे पास में CH2, यहां पे CH2, यहां पे NH2 है, यहां पे भी NH2, इसके पास भी लोन पेयर है, इसके पास भी लोन पेयर है, तो ये भी डोनेट कर सकता है और ये भी डोनेट कर सकता है। तो इसमें कितने डोनर एटम हैं, दो डोनर एटम, समझ में आना। इसका मतलब इसकी डेंटिसिटी 1 है, इसकी डेंटिसिटी 2 है। ये डेंटिसिटी जो है ना, ये मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊँगा, इसलिए यहाँ पर फिलहाल आप समझो, डेंटिसिटी का मतलब रहता है नंबर ऑफ डोनर एटम्स इन ए लिगेंड या इन ए मॉलिक्यूल, राइट। इतना समझ में आया, चलो अब हम आगे चलते हैं। और एक टर्म जो है वो है कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर याद रखना, नंबर, ये किसी नंबर की बात हो रही है। देखो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब रहता है कि नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स, या मैं बोलूँगा नंबर ऑफ डोनर एटम्स इन ए कम्प्लेक्स। जैसे यहाँ पे देखेंगे हम, मैं अगर ये बनाऊँगा CO कोबाल्ट, इसके साथ में अमोनिया, 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 कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स बन गए यहाँ पे, शाबाश, ये बन गए 6, है ना, 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स, 6 बॉन्ड्स बोलूँगा मैं, 6 बॉन्ड्स, यानी मेटल और सेंट्रल एटम के दरमियान जो नंबर ऑफ बॉन्ड्स बनते हैं उसको हम बोलते हैं, ये है, या मैं बोलूँगा सिंपली नंबर ऑफ डोनर एटम्स जो है, दैट इज़ कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर ये है CN, दैट इज़ इक्वल टू 6, क्लियर। चलो और एक बताता हूँ मैं आपको मॉलिक्यूल। सपोज मेरे पास में निकल है, निकल के पास में CO है और ये 4 है, और हर एक कार्बन मोनोऑक्साइड एक बॉन्ड बनाता है, समझ में आया ना, इसमें एक ही डोनर एटम है ना कार्बन,
तो मैं बोलूँगा कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर ये है 4, सो सी एन इज इक्वल टू 4। ठीक है, चलो अब आपका कन्फ्यूजन मैं दूर करता हूँ। सपोज मेरे पास में सी ओ या सी यू है, सी यू कॉपर, और इसमें ई एन टू आइस, ई एन टू आइस, ई एन का मतलब रहता है इथिलीन डाइमीन। ये देखना, इस दो पे मत जाना, ये जो दो है ना आपको इस पे नहीं जाना है। यहाँ पे क्या लिखा है आपको देखना है कि इसमें कितने डोनर एटम्स हैं, कितने डोनर एटम्स डोनेट कर रहे हैं, ठीक है, यानी बॉन्ड बना रहे हैं, राइट। ई एन का मतलब रहता है इथिलीन डाइमीन, इसको मैं यहाँ पे बनाता हूँ। ई एन जो है ना, ई एन का मतलब रहता है इथिलीन डाइमीन, यानी ये सी एच टू सिंगल बॉन्ड सी एच टू, फिर एन एच टू एन एच टू। ठीक है, अब आपका कन्फ्यूजन थोड़ा बहुत दूर हो गया होगा। जब इस कम्प्लेक्स को मैं बनाता हूँ ना तो ये इस तरह रहता है। अभी आप डरना मत, मैं सिर्फ एग्जाम्पल्स दे रहा हूँ, मैं बाद में पूरा समझा दूंगा आपको, ये आएगा इंशाल्लाह अच्छी तरह से आएगा। ये कॉपर है, इसके साथ में यहाँ पे एक नाइट्रोजन, यहाँ पे दूसरा नाइट्रोजन कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, यहाँ पे तीसरा नाइट्रोजन लिंकेज करेगा, यहाँ पे चौथा लिंकेज करेगा, ये है एच एच, राइट, या मैं इसको ऐसे लिखूँगा एच टू, और यहाँ पे सी एच टू, यहाँ पे भी लिखूँगा मैं एच टू, इसके साथ में सी एच टू, इनका आपस में बॉन्ड है, यहाँ पे लिखूँगा मैं सी एच टू सी एच टू, और यहाँ पे एन एच टू, राइट। इसको गौर से देखो, ये तो लिगेंड्स तो दो ही हैं, ये एक लिगेंड है यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक दूसरा लिगेंड, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा लिगेंड्स तो दो ही, लेकिन बॉन्ड्स कितने हैं, बॉन्ड्स कितने हैं, चार, शाबाश, यहाँ पे चार डोनर एटम्स हैं। तो अब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, दो की चार, शाबाश, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर आएगा 4। हमें नंबर ऑफ लिगेंड्स नहीं गिनने हैं, हमें नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स गिनने हैं, नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स, या नंबर ऑफ लिंकेजेस गिनने हैं, नंबर ऑफ डोनर एटम्स गिनने हैं, वो कितने हैं, 1 2 3 4। सो इसका जो सी एन है, इन्हें कोऑर्डिनेशन नंबर दैट इज इक्वल टू 4। समझ में आया, शाबाश, हो गया लिगेंड मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर वगैरह सब आ गया। अब और एक चीज़ जो आती है इस पर, वो है चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स, चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स, वो मैं दिखाऊंगा, चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स। देखो यहाँ पे मैंने कोई चार्ज नहीं बनाया इसमें, लेकिन अगर मैं ये कोबाल्ट 3 पॉजिटिव लेता हूँ तो समझ लेना कि इसका पूरा चार्ज इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर आएगा। इस तरह से ये जो ये है यहाँ पे इथिलीन डैम, यहाँ पे ये कॉपर 2 पॉजिटिव है, तो ये पूरा चार्ज यहाँ पे जमा हो जाएगा। ठीक, अब मैं आपको और एक चीज़ दिखाता हूँ। देखो मैंने लिखा है एफ ई सी एन होल 6, और यहाँ पे लिखता हूँ मैं 4 नेगेटिव। अगर आपको ये कंफ्यूज कर रहा है अचानक कहाँ से आ गया, आप पीछे जाओ थोड़ा, इसको पॉज करो, थोड़ा सा पीछे जाके जो आपने नोट किया होगा उसमें देखो, हमने एक ऐसा बनाया एनायनिक कम्प्लेक्स, यहाँ पे तो सेंट्रल एटम है, इसमें नेगेटिव चार्ज कहाँ से आ गया, अच्छा कोबाल्ट में चार्ज क्यों नहीं आया। अब देखो चार्ज कहाँ से आता है, एक्चुअली अगर इसको देखा जाए ना, ये है एफ ई टू पॉजिटिव, यहाँ पे एफ ई टू पॉजिटिव, और इसमें सी एन नेगेटिव है, लेकिन सी एन कितने हैं, 6। अब 6 नेगेटिव में से 2 पॉजिटिव कम कर दो तो वहाँ पे कितना रह जाता है, टोटल 4 नेगेटिव। समझ में आया ना, ये जो लिगेंड्स का टोटल चार्ज है और सेंट्रल मेटल एटम का जो टोटल चार्ज है, वो मिला के जो चार्ज बनता है उसको हम कहते हैं चार्ज ऑन कम्प्लेक्स, वो कम्प्लेक्स के ऊपर वही चार्ज होता है। अब मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, कार्बन मोनोऑक्साइड जो है, कार्बोनिल मेटल कार्बोनिल जो है, वो हमेशा न्यूट्रल रहते हैं, यानी वहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड पे भी 0 चार्ज, निकल पे भी 0 चार्ज, इसलिए यहाँ पे कोई चार्ज नहीं। अब कोबाल्ट की बात करेंगे, कोबाल्ट में यहाँ पे सेंटर में 3 पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन अमोनिया है न्यूट्रल, यानी 3 पॉजिटिव प्लस, या मैं कहूँगा प्लस ही कहूँगा ना,
थ्री पॉजिटिव लिखूंगा, थ्री पॉजिटिव प्लस सिक्स ज़ीरो। सिक्स ज़ीरो क्यों? क्योंकि अमोनिया का कोई चार्ज नहीं है, जिस तरह वाटर का कोई चार्ज नहीं। सिक्स ज़ीरो, ये ज़ीरो लिखूंगा मैं, सिक्स ज़ीरो इज इक्वल टू, यानी सिक्स इंटू ज़ीरो है ये ज़ीरो प्लस थ्री, यानी प्लस थ्री आएगा। देखो इसके ऊपर प्लस थ्री आ गया। सो ये जो कम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज है ना, वो नेट चार्ज रहता है, यानी एनायन प्लस कैटायन, यानी सेंट्रल मेटल एटम प्लस लिगेंड, सबका चार्ज मिला के जो चार्ज बनता है उसको बोलते हैं हम चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स। राइट, इतना समझ में आया? शाबाश। अब लास्ट में मैं बताऊंगा आपको, लास्ट में आयोनिक स्फीयर क्या रहता है, आयोनिक स्फीयर क्या रहता है, आयोनिक स्फीयर या आयोनिक स्फीयर बोलो इसको, या आप इसको काउंटर आयन बोलो, काउंटर आयन। ठीक है, जैसे अगर आपको याद होगा मैंने ऐसे एक कम्प्लेक्स बनाया था, ये मैं यहाँ पे लिखता हूँ NH3। ठीक, सिक्स टाइम्स फिर लिखा था मैंने Cl3। समझ में आया? शाबाश। उसके बाद में लिखा था मैंने K4 Fe Cn होल सिक्स। इस स्फीयर के बाहर, ये जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, इसके बाहर जो स्फीयर रहता है इसको हम कहते हैं आयनिक स्फीयर, इसको हम कहते हैं आयनिक स्फीयर। लेकिन आयनिक स्फीयर आया कहाँ से? देखो मैं बताऊंगा आपको। हम लिखते हैं सोडियम क्लोराइड, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, राइट, हमेशा पॉजिटिव आयन पहले लिखते हैं बाद में नेगेटिव आयन। ये जो कम्प्लेक्स आपको दिख रहा है ना, इसमें कोबाल्ट है NH3 सिक्स टाइम्स, और इस कम्प्लेक्स के ऊपर हमने देखा कि यहाँ पे चार्ज रहता है थ्री पॉजिटिव। अब इस थ्री पॉजिटिव को न्यूट्रलाइज करने के लिए यहाँ पे तीन Cl नेगेटिव आते हैं। ये एक्चुअली जो ये है ना, ये थ्री टाइम्स Cl नेगेटिव, तो ये जो आयन्स आते हैं इस कम्प्लेक्स के चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए, उन्हीं को हम कहते हैं काउंटर आयन्स या आयोनिक स्फीयर। इसी तरह से अगर आप इसको देखेंगे, ये है K4 Fe Cn6, यहाँ पे फोर नेगेटिव हमने अभी अभी देखा, ये देखो यहाँ पे फोर नेगेटिव है। ये चार नेगेटिव को न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें छोटे छोटे आयन्स की ज़रूरत पड़ती है। कभी कभी कम्प्लेक्स आयन भी कर सकता है, ऐसा ऐसी बात नहीं है, लेकिन अगर छोटे आयन्स ने इसको न्यूट्रलाइज किया, जैसे फोर यहाँ पे लिखूँगा मैं, यहाँ पे ये है फोर नेगेटिव, तो यहाँ पे फोर के पॉजिटिव है, तो फोर पॉजिटिव चार्जेस ये इसको न्यूट्रलाइज करेंगे। क्लियर, इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए ये जो आयन्स आते हैं ना, इनको हम कहते हैं काउंटर आयन्स। ठीक, तो ये तो थी बेसिक टर्मिनोलॉजी जो हम फिलहाल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के लिए इस्तेमाल करेंगे। राइट, समझ में आया ना? तो आगे हम देखेंगे एडवांस टॉपिक्स, जैसे मैं शुरुआत करूंगा लिगेंड्स से और लिगेंड्स की क्लासिफिकेशन से, लेकिन आज के लिए इतना ही, आज तो हम यहीं पे स्टॉप करेंगे। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा और आपने इसको एंजॉय भी किया होगा। बहुत आराम से देखो और आराम से पढ़ो, और साथ साथ में चलो कभी कभी बताना ही पड़ता है। अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो करो, आपको अच्छा लगता है तो शेयर किया करो, लाइक किया करो। ठीक है, तो दोस्तों को बताया करो, क्योंकि नॉलेज बांटने से नॉलेज कम नहीं होती है, बढ़ जाती है। क्लियर, चलो बाय।